हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और सिंगापुर निफ्टी है क्या, और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट जो इंडिया का निफ्टी है वो सिंगापुर के निफ्टी से जो है कैसे प्रभावित होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी स्टॉक मार्केट पे, और सिंगापुर निफ्टी किन किन ट्रेडिंग टाइम में जो है ट्रेड होता है, और निफ्टी की जो हमारी मार्केट जो 9:30 बजे खुलती है सुबह, और हम उसका ट्रेंड जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या सेंटिमेंट्स होंगे आज, वो हम सिंगापुर के निफ्टी से गॉज कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में काफी इंसाइट्स दूंगा इस रिलेशन में, और काफी सारी आपको एक दो साइट्स भी बताऊंगा जहां से आप सिंगापुर निफ्टी का लाइव चार्ट्स जो है देख सकते हैं, और उसका कोरिलेशन जो है हमारे जो इंडियन निफ्टी है उससे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो देखिए, सिंगापुर निफ्टी, अगर आप सिंगापुर निफ्टी को देखें तो विकिपीडिया अगर आप खोलें तो सिंगापुर निफ्टी है क्या। देखिए, सिंगापुर निफ्टी की शॉर्ट फॉर्म सिंगापुर निफ्टी, देखिए हमारा निफ्टी ही है, हमारा जो निफ्टी यहाँ का इंडिया का निफ्टी जो कि इंडेक्स है, जो जो कि स्टॉक्स के प्राइसेस को लेके, और वो एक इंडेक्स तैयार किया गया है जो कि सेंटिमेंट्स बताता है हमारे मार्केट के, वो हमारा इंडिया का जो निफ्टी है वो सिंगापुर की मार्केट में ट्रेड होता है। सिंगापुर की मार्केट में वो उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर उसको ट्रेड करना चाहें तो उसको सिंगापुर की मार्केट में कर सकते हैं। तो सिंगापुर की जो एक्सचेंज है, जो SGX जिसे बोलते हैं, SGX ने उसे अपने अंडर हमारे निफ्टी को ट्रेड करने के लिए एक अलग से इंडेक्स बना रखा है, एक अलग से एक सिक्योरिटी आप कह लीजिए, एक अलग से सिक्योरिटी या अलग से उसका फ्यूचर्स क्रिएट क्रिएट किया हुआ है जिसको हम SGX निफ्टी बोलते हैं। तो SGX निफ्टी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बहुत डिटेल में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में वो चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल आपको आपको सटीक तरीके से SGX निफ्टी के बारे में पता होनी चाहिए, और इससे हमारे स्टॉक मार्केट का, इससे हमारे अपने यहाँ का क्या ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो SGX निफ्टी अगर आपको पता लगाना है तो ये देखिए, मेरे पास ये वाली एक साइट है, sgxnifty.org। तो SGX निफ्टी जो .org है, ये वाली साइट पे आप SGX निफ्टी का लाइव चार्ट देख सकते हैं। हमारी मार्केट जो है वो सुबह 9:30 बजे इंडिया टाइम खुलती है, और 3:15 बजे जो है, 3:30 सॉरी 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद होती है, और SGX निफ्टी जो है वो 6:30 बजे इंडियन टाइम में, अगर आप देखें विकिपीडिया पे भी पढ़ लें, विकिपीडिया में भी दिया होगा, 6:30 बजे हमारे इंडियन टाइम में खुलता है और रात के 11:30 बजे तक वो चलता है इंडिया टाइम में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, देखिए ये हमारा निफ्टी ही है और वो सिंगापुर की मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मतलब कि हमारे इंडियन मार्केट के बारे में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स व्यू रखते हैं, या हमारे यहाँ की कोई भी ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज़ आती है, और हमारे प्रधानमंत्री कोई स्कीम घोषित करते हैं, या बैंक्स को कोई, जैसे अभी हुआ था कि बैंक्स को काफी ज्यादा उन्होंने जो है जो काफी ज्यादा जो है 2 लाख करोड़ का जो है उन्होंने जो एक रिकैपिटलाइजेशन प्लान दिया था। तो ऐसी कोई भी न्यूज आती है, ग्लोबल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, या जो हमारा जो RBI है वो भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है, तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो पूरा दिन ट्रेड होता है, सुबह 6:30 से रात के 11:30 इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो जो भी न्यूज आती है वो सारी न्यूज उसको प्रभावित करती हैं, और वो सेंटिमेंट्स वहां पे डिस्काउंट होते हैं, वहां पे मार्केट उसको सहन करके और मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। तो वो अगर आप डेली ट्रैक करें, और अगले दिन जो मार्केट हमारी ओपन होगी वो सिंगापुर निफ्टी पे डिपेंडेंट होगी कि हमारा निफ्टी किस वे में ओपन होगा। देखिए, सिंगापुर निफ्टी 6:30 बजे ओपन हो जाता है, आप ट्रैक कर लीजिए कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए वो 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारी जो ओपनिंग होगी मार्केट की वो फ्लैट ओपनिंग नहीं होगी, वो एक पॉजिटिव ओपनिंग होगी। और सिंगापुर निफ्टी अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका व्यू हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो वो सिंगापुर निफ्टी जो है वो नेगेटिव सो हमारा निफ्टी जो है वो नेगेटिव ओपनिंग ले सकता है।
तो ये वाली कुछ साइट्स हैं जिन पे आप जाके देख सकते हैं। ये वाली देखिए, एक तो sgxnifty.org है जिस पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी का क्या व्यू है। और देखिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा ही निफ्टी है जो कि फॉरेन की मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली जो है उसमें उसमें आ गए हैं। तो एक और भी काफी सारी बातें हैं जो सिंगापुर निफ्टी के बारे में हैं, जो कि आप और चाहें तो विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये देखिए ये प्रैक्टिकली अप्लाई होता है लाइव मार्केट में, क्योंकि जैसे देखिए जब हमारी मार्केट सुबह ओपन हो जाएगी 9:30 तो वो सिंगापुर निफ्टी के साथ कोरिलेशन में आ जाती है। कोरिलेशन में मतलब उसके साथ साथ ही मूव करती है, प्लस माइनस थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो जैसे जैसे वो टिक बाय टिक मूव करता है वैसे ही हमारी मार्केट भी हमारा निफ्टी यहाँ का सीएनएक्स निफ्टी जिसे बोलते हैं वो भी एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ कोरिलेशन में मूव करता है। तो सबसे सबसे जरूरी बातें आपके लिए जानने के लिए ये हैं कि आप जो है इसको ट्रैक कीजिए, आप जो है इंडेक्स इसको अपनी इस साइट को अपने बुकमार्क कर लीजिए, इस साइट को आप डेली ट्रैक कीजिए, और इसका हमारी मार्केट से कितना कोरिलेशन आ रहा है। देखिए ये रिसर्च का टॉपिक है और जो ट्रेडर्स होते हैं इसको डेली फॉलो करते हैं, सारी मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन सिंगापुर निफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंगापुर हमारे सेम कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है, एशिया में पड़ता है, तो वो एक तरह से एक कॉमन साइकोलॉजी, कंटिनेंट की साइकोलॉजी है वो भी दर्शाता है। तो हमें बिफोर हैंड की पूरा दिन जो मार्केट में रहा वो बिफोर हैंड अगले दिन जो है मार्केट खुलने से पहले ही एक सेंटिमेंट पता लग जाते हैं कि आज जो है निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगा। सिंगापुर निफ्टी में देखिए मार्जिन जो है काफी लोअर होता है, और हमारे इंडियन निफ्टी में मार्जिन जो है काफी काफी हाई होता है, और ये एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा है क्योंकि जो भी फॉरेन का इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली अगर इंडियन मार्केट में नहीं आ पा रहा है उस पे कोई जो है काफी काफी कोई रेगुलेशंस हैं तो वो जाके डायरेक्टली सिंगापुर निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं। सिंगापुर निफ्टी उनके लिए बेस्ट चॉइस होता है, मार्जिन भी लोअर है और वहां पे जो है देखिए वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी दोनों में सेम रहती है। वॉलेटिलिटी का अगर पॉइंट रखें हम तो वॉलेटिलिटी जैसा वॉलेटाइल वो सिंगापुर निफ्टी होगा, जैसी वॉलेटिलिटी उसमें होगी वैसे ही हमारे यहाँ के इंडियन निफ्टी में आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपको सिंगापुर निफ्टी के बारे में बताने के लिए, आप ये साइट नोट कर लीजिए। और देखिए यहाँ भी एक investing.com की साइट पे भी सिंगापुर निफ्टी में का जो फ्यूचर है वो अवेलेबल होता है कि सिंगापुर निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है। आप इसका हमारे जो अपने निफ्टी है उससे कोरिलेशन देखिए, स्टडी करिए, और आशा करता हूँ कि आपको इससे आपकी ट्रेडिंग जो है और प्रॉफिटेबल होगी। आप निफ्टी का ट्रेंड जो है डेली का जो ट्रेंड आता है निफ्टी का इंट्राडे में वो जो है सिंगापुर निफ्टी से भली भांति जो है कोरिलेट करता है, भली भांति उसके साथ साथ ही मूव करता है और बिफोर हैंड हमें पता लग जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर दोस्तों इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग लैब के फ्री कोर्सेज और जो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं फ्री कोर्सेज से वो पेड कोर्सेज से भी आगे फायदा उठा सकते हैं। तो पेड कोर्सेज भी आने वाले साल में इंट्रोड्यूस होंगे जो कि एडवांस कोर्सेज होंगे, और फ्री कोर्सेज नॉर्मल कोर्सेज होंगे जो कि मैं अपने वीडियोस में भी कवर करता हूँ, और उसके अराउंड ही मैं जो है अंडरस्टैंडिंग को और ब्रॉड करूंगा। और एडवांस कोर्सेज होंगे वो पेड कोर्सेज होंगे, जो भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड हों वो कर सकते हैं उसको आने वाले नए साल में। और जल्दी जो है यूट्यूब की जो स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम है, उस पे वो फ्री कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और जो भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे उनको जो है अभी मैं अगले वीडियोस में वो नोटिफिकेशन ला दूंगा जो भी मैं टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करूंगा, अगले लाइव स्ट्रीम में कवर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।